रोटेट फ्रीक्वेंसी कर्व का एडवांटेज ये है कि इस फ्रीक्वेंसी कर्व से हम डेटा की शेप डेटा की पिक्चर पहचान सकते हैं आपका जी हमें डेटा की शेप से क्या कंसर्न क्या है हमने फ्यूचर में कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पढ़नी है उन टेक्निक्स की प्री रिक्वायरमेंट्स होंगी रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर तो डेटा इस तरह से स्ट्रक्चर हो कि सेंट्रल पॉइंट से दोनों साइड पे अगर आप शेप देखें तो वन साइड इज द मिरर इमेज ऑफ एनर साइड ऑलमोस्ट सेम पैटर्न सेम शेप में है हम इस शेप को कहते हैं ये सिमेट्रिक शेप है एट द सेंट्रल वो इसे इसे ना टेल टेल बोलते हैं दुम, ये एक टेल है ये लेफ्ट टेल है ये राइट right टेल है अब देखें दोनों ऑलमोस्ट एक पैटर्न पर है तो इसे हम कह देते हैं कि डेटा सेट जो है वो सिमेट्रिक है ये डेटा सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि अगर आप सेंट्रल साइड से इसे कट करेंगे तो इसकी जो राइट right टेल है उसकी लेंथ ज्यादा है यानी कि डेटा राइट साइड पर ज्यादा वैल्यूज जा रही हैं और ये उसके अपोजिट है डेटा साइड की लेफ्ट साइड पर ज्यादा वैल्यूज जा रही हैं इसे हम कहते हैं राइट स्क्यूड और राइट right साइड पर वैल्यूज होती है पॉजिटिव ऐसे ही होता है ना अगर आप नंबर लाइन लगा ले जीरो और राइट right साइड पर वैल्यूज होती है पॉजिटिव तो इस रेफरेंस जैसे पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं लेफ्ट साइड पर वैल्यू जीरो के नेगेटिव होती है तो इसे हम नेगेटिव स्क्यूट बोलते हैं और जो उसमें दोनों टेल्स एक जैसी हो तो इसे आप कह सकते हो कि ये डेटा सेट जो है वो समिट्रिक है देखो इस्लाम का हमारा जो मजहब इस्लाम है उसका मैसेज ज़्यादा देखेगा क्या है अब ऐसे कह लें ये उन लोगों ये वो डेटा सेट है जिसमें ये लोग ना ऐसे ही फजूल खर्ची किए जा रहे होते हैं पॉजिटिव स्क्यूट ये वो डेटा सेट है जिसमें बड़ा ही हाथ खेच के खर्च कर रहे होते हैं जिसे आप कंजूस कह देते हैं तो यार बड़ा कंजूस है पैसे नहीं खर्च करता ये देखिएगा क्या वो फजूल खर्च ज्यादा है ऐसा तो नहीं है क्या वो बड़े हाथ खेच के खर्च करता है ऐसा भी नहीं है तो फिर ये कौन है ये है कुफायत शुआर पार्सीमोनियस बिहेवियर और इस्लाम ना बिल्कुल यही हमें मैसेज देता है कि अपनी जिंदगी में म्या रवि इख्तियार कीजिए ना आप बहुत ज्यादा एक साइड पर एक्सट्रीम हो ना ही दूसरी पे ये नहीं पैसे के मामले में मेरे हर जगह पर इस्लाम यही मैसेज देता है कि एक्सट्रीम जो है वो नहीं जाना आपने अपना म्याना रवि करनी है बैलेंस बिहेवियर रखना है तो नेटशल क्या है कि डेटे की शेप का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डेटे की शेप क्या है इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं जो अभी ड्रॉ करके आए हैं और क्यों ये ड्रॉ किया जाता है इट इज यूजफुल टू हेल्प द आइडेंटिफाई शेप ऑफ द डेटा वाई वी रिक्वायर शेप क्यों हमारी इंटरेस्ट है आप नेक्स्ट देखेंगे मैं कहूंगा कि अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना स्टैट्स का तो इसके लिए डेटे का बैलेंस होना जरूरी है यानी कि सिमेट्रिक तो कैसे पता चले जी देख के तो नहीं पता चलेगा कतन नहीं तो फिर एक मेथड ये है कि आप उस डेटे का ग्राफ ड्रॉ कर लें और ग्राफ ड्रॉ करके आप देखें आप कहें हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये बैलेंस शेप या दोनों साइड पर टेल्स जो है वो एक जैसी ही नजर आती है इसी शेप को हम समेट्रिक शेप का नाम देते हैं जी क्लियर हो गया होगा आपको हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक एक करके हम ग्राफ पढ़ रहे हैं पहले तो पढ़ते हैं ये ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है जैसे एक टूल है एक औजार है पहले आप पढ़ते हैं औजार चलाना कैसे है फिर आप पढ़ते हो वो यूज कहाँ करना है हमें वोल्ट मीटर चलाना आता है लेकिन वोल्ट मीटर से क्या हम पेट्रोल कंजम्पशन नोट करते हैं नहीं वोल्ट मीटर से तो नहीं ये तो घर में बिजली के कितने वोल्ट आ रहे हैं उस वो वो पता चलेगा अच्छा जी चलाना कैसे इस वोल्ट मीटर को और जी इसकी दो नीडल्स होंगी एक पॉजिटिव में डा, अलग इंसर्ट करेंगे एक नेगेटिव में तो यही हम स्टैट्स के फार्मूलों में पढ़ रहे हैं कि जी पहले फार्मूला चलाना सीखते हैं यानी कैलकुलेशन सीखते हैं और नॉट एनफ एग्जाम में आपको मैं कोई टारगेट दे दूंगा मैं कहूंगा डेटे फर्ज करें मैं आपको एक डेटा देके कह दू तो डेंटिफाई शेप आप सोचेंगे नहीं कैसे तो आप कहेंगे चले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं कि उसकी कौन सी टेल लेंथ ही आती है अगर तो ये राइट टेल लेंथ चली गई आपने कहना दा स्क्यूड अब आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है एग्जाम में फर्ज करें मैं आपसे डिटेल नहीं मांग रहा मैं आपको तीनों ग्राफ दिखा देता हूँ ये वाले और फिर क्वेश्चन करता हूँ विच ग्राफ इंडिकेट्स नेगेटिवली स्क्यूड डेटा देखें जिसने ये क्लास या जो जिसको पता ही नहीं है ये पढ़ा था तो so कि आप कर पाते। अब आपने चुके पढ़ लिया है और अब आप कह रहे हैं ये तो बड़ा आसान है जी लेफ्ट का मतलब का मतलब लेफ्ट हो तो जिसने अभी भी ये लेक्चर नहीं अटेंड किया वो तो नहीं आंसर कर सकेगा ठीक है ना तो मुश्किल तो उसी वक्त होगी जब नहीं पढ़ेंगे पढ़ लिया तो आसान है

नाम देते हैं अल्टरनेटिव नेम है बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री लेनी है जिस तरह से आप मैथ का या स्टैट्स का कोई फार्मूला याद करते हो कि जी फार्मूला क्या है एग्जैक्टली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये चीज याद करनी है कि इसकी एक्स एक्सिस पे क्या प्लेस करना है और इसके वाई एक्सिस पर आपको क्या प्लेस करना है तो एक्सिस याद रखा जाए कि जितने भी हम ग्राफ इस वक्त पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हम कंटिन्यूस डेटा सेट के लिए ऐसा डेटा जो कंटिन्यूस और मैं पहले बता चुका हूं कि डेटा देख के कम से कम पता नहीं बताएंगे हम अगर बताएंगे तो वो डेटा किस चीज का है जी ये कोई आ, आ, वेट का डेटा है कंटिन्यूस है इवन मार्क्स कंटिन्यूस होते हैं ना जैसे आपके डेसिमल में नंबर आ जाते हैं तो आपके हाँ ये आ सकते हैं तो डेटा है example, ये डेटा है फॉर ये सेट स्टूडेंट के मार्क्स हैं थर्टी से लेके फोर्टी मार्क्स तक क्लास में बीस स्टूडेंट ऐसे हैं ये फ्रीक्वेंसी है ना तो ट्वेंटी स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जिनके नंबर थर्टी से लेके फोर्टी तक आ रहे हैं और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 41 से लेके 50 तक आ रहे हैं ये दो कॉलम आपको डेटा सेट के प्रोवाइड किए गए हैं कह दिया गया इसका ऑगिव ड्रा करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे लेनी है आपको अपर क्लास बाउंड्री अब आपको क्लास बाउंड्री याद है मैंने कहा था आज ही कि हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और बाद में उन कैलकुलेशन को मुख्तलफ कैल मुख्तलफ फॉर्मुलों में यूज करेंगे जरूरत पड़ेगी अपर बाउंड्रीज की सिर्फ अपर की तो बाउंड्री बनाने के लिए क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस नोट करते हैं जो आंसर आता है उसे हाफ कर देते हैं वो इसमें प्लस कर देते हैं अपर में और लोअर में माइनस देखिए इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा ना फोर्टी पॉइंट फाइव और हमने चूंकि सिर्फ अपर, अपर अपर चाहिए होती तो अपर में प्लस करते जाए सिक्सटी में पॉइंट फाइव एड करेंगे तो सिक्सटी पॉइंट फ्रीक्वेंसी ये भी आज पड़ा था पहली क्लास में टोटल बीसर्वेशन है इसका मतलब है इस क्लास और इस क्लास पीछे जितनी क्लासेज है सबकी वैल्यूज को करके लिख दें वो 20 ही है। फिर इस क्लास और इससे पीछे वाली जितनी हैं सबकी फिर ये क्लास और इससे पीछे वाली जितनी क्लास है सबका क्यूमुलेटिव तो कैसे करते हैं ये वैसे लिख देते हैं फिर इस बीस में ये तीस शामिल कर देते हैं आपने कहना बीस तो ऐड हो चुके हैं तीस और कर दें पचास इस पचास में ये साठ शामिल कर दें एक सौ दस इस एक सौ दस में ये बीस शामिल कर ले एक सौ तीस एक सौ तीस में ये पच्चीस ले लें एक सौ पचपन एक सौ पचपन में पच्चीस और ले लें वन 180 वन में ट्वेंटी और ऐड कर ले तो टू हंड्रेड जैसे मतलब आप ऐसा कर ले इन सबको ऐड कर ले तो ये क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वन टोटल टू हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स का डेटा सेट है एक्स एक्सिस पर आपने ले है अपर बाउंड्रीज मैंने ले ली यहां पर अपर बाउंड्रीज और ये आपके पास आ गई अपर बाउंड्रीज ऑफ द डेटा तो ये अपर बाउंड्रीज आ गई यहां पर ये अपर बाउंड्रीज है तो ये सारी की सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई पहला पॉइंट लें 40.5 पॉइंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 20 ये हो गया 40.5 और 20 एक्स एक्सिस या ग्राफिकल लैंग्वेज में हम लफज बोलते हैं रन एंड राइज एक्स एक्सिस पे आगे जाना रन कल आता है भागना और वाई एक्सिस पर ऊपर जाने को हम बोलते हैं रन ट्वेंटी पॉइंट फोर्टी पॉइंट फाइव है तो यहां से मैंने भागा रन किया फोर्टी पॉइंट फाइव पर पहुंचा तो अब आपने ट्वेंटी राइज कर लेना है तो रन एंड राइज और ये पॉइंट मार्क कर देना डॉट मार्क करना एक्चुअली आपको इस पे डॉट मार्क करते जाना नेक्स्ट 50.5 ये है 50.5 और इसका जो राइज है वो है 50 तो ये है 50 तो यहाँ तक आपने आ जाना एक डॉट मार्क कर लेना है एक डॉट मार्क कर लेना है हर पॉइंट पर एक डॉट मार्क करते जाएंगे उसके बाद आपने सारे डॉट आपस में ज्वाइन कर देने। क्वेश्चन ये है इस ग्राफ का नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर विद मेनी साइड मैंने ग्राफ यहां से स्टार्ट किया था यहाँ से वो पहली लाइन नहीं है इस ग्राफ में तो आप कहें कैसे क्लोज है यहां से तो ओपन है बिल्कुल सही है यहां से इसको रास्ता मिला ये ओपन है इसको क्लोज कैसे करेंगे जैसे इस तरतीब से हम आ रहे हैं आप इस एक वैल्यू को इससे पीछे चले जाए मतलब इससे पिछली वैल्यू क्या होगी इससे पिछली वैल्यू होगी थर्टी पॉइंट फाइव या ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस क्लास से पिछले जितनी क्लासेज हैं सबकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपके जिस क्लास से पीछे तो वैल्यू ही कोई नहीं है तो मैं कहता हूँ तो लिख दे जरा मैथ्स में तो आप लिख दें जीरो मतलब क्या है इसका मतलब है फोर्टी से पीछे पीछे कितनी रीडिंग है ट्वेंटी फिफ्टी से पीछे सारी कितनी आपको दोनों मिला दें पचास और अगर मैं कहूं थर्टी से कम टोटल कितनी रीडिंग है तो, तो है ही नहीं डेटे अगर इसको भी मैं डेटे का हिस्सा समझ लिया जाए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जीरो मार्क कर दी जाए वो तो इसी पॉइंट पर आएगी और मैंने ग्राफ को एक्सटेंड करके यहां से जोड़ करके आप समझ लें अब ग्राफ बंद हो गया क्लोज हो गया और आखिरी जो पॉइंट है इसको डायरेक्टली हम लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट से इसे लगा के अट देन अब आप कहते हैं इधर से भी ये क्लोज है और इधर से भी क्लोज है और कोई खास रीजन बच्चों नहीं होती कि इसको क्लोज जरूर ही करना है बस लिटरेचर में कह दिया गया जी इसका नाम पॉलीगॉन रखा हुआ है तो इट मींस कि ये पॉलीगॉन ग्राफ है अब ये किस जगह पर आप यूज करते हैं देखें कॉवर्ड हो रहा है लोगों को फर्ज करें ये मैं ये पिछले लायके से छोड़ दें अब ये समझ लें कि ये ट्वेंटी सेवन में ट्वेंटी सेवन में ट्वेंटी डेथ्स हुई है सत्ताईस तारीख को टोटल बीस डेथ हो गई लाइक, जून को कर ले, यकम जून को 20 है, जून को 30 हुई, है, जून को 60 हुई है, अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन करे जी पहली जून से डेटा लेना स्टार्ट किया तीन जून तक टोटल कितनी डेथ हुई तो क्या क्यूमुलेट नहीं करेंगे इसे साठ आप कहें दस डेथस हुई है अगले दिन बीस डेथ और हो गई और पूछा जा रहा अब कितनी हो गई एक सौ तीस अगले दिन पच्चीस अब टोटल कितना हो गया वन एटी तो क्या कर रहा हूं मैं मैं जैसे ही नई एंट्री आती है उसमें पाने में शामिल कर लेता तो आपको नेट पे यही ग्राफ मिलेगा अपडेटेड ग्राफ कोविड का देखिएगा कोविड ग्राफ कि वो कहता जी कि इंडिविजुअली एक दिन में कितनी डेथ हुई है वो यहां से नोट करें यहां से और फिर पूछा जाए अब टोटल कितनी डेथ्स हो गई हैं तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नोट करेंगे तो वो आपको अप टू डेट बता देगा जैसे किसी से लोन ले रहे हैं आप आप कहते हैं जी पहला लोन लिया वो बीस हजार का था नेक्स्ट लोन तीस हजार हम कहेंगे कितना हो गया पचास हजार नेक्स्ट लोन साठ हजार अब कितना हो गया जी एक लाख दस हजार जैसे घर में ना मैंने आजकल पेंटर लगाया हुआ है वो पेंट करने के लिए वो मुझसे ना तकरीबन तो दो चार दिन बाद पैसे ले जाता है मैंने उसे बीस हजार दिया साथ ही मैंने एक और कॉलम भी बनाया हुआ है ठीक अगले दिन आ गया या दो चार दिन बाद आ गया मुझसे तीस हजार ले गया मैंने कहा तीस और पिछला भी शामिल कर लिया मैंने ये भी लिखा हुआ था ये भी लिखा हुआ है मुझसे कभी भी पूछता ना फर्ज करें इस दिन पूछता है मुझसे कि जी मेरे टोटल कितने पैसे हो गए तो मैं क्यों जमा करूं 25 20 60 30 20 मैं कहूं भाई तुम्हारा एक लाख 55 हजार तुम मुझसे ले जा चुके हो बहुत ज्यादा यूजफुल है अपडेटेड पिक्चर है डेटे की अक्सर बैंक्स में कि जी इतना लोन हो गया मिल मिला के टोटल इतना हो गया इसे हम क्यूमुलेटिव बोलते हैं अब जरा इसका एडवांटेज भी देखिएगा एप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स 62 और बिलो मतलब 62 या 62 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल जिनके नंबर 62 या 62 से कम है 62 तो इधर कहीं आ रहा है यहाँ पर ऐसे ही है ना 70 से कम तो मैं बता सकता हूं 130 स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो 70 से कम है 60 से कम बता सकता हूं 110 स्टूडेंट के नंबर 60 से कम है लेकिन जो मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो इन एज पे नहीं आ रहा क्योंकि ये एच ही बता रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स के नंबर चालीस से कम है या पचास से या साठ से अब आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है आप इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना लेंगे बना लिया स्टूडेंट के मार्क्स इधर आते हैं एक्स एक्सिस पे मार्क्स जो है ना वो राउंड अबाउट यहां पर है यही है ना यहां से आपने जहां पर अंदाजन क्योंकि ग्राफ इज जस्ट अ रफ फिगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन जैसे ही वो लाइन ये रेड कलर की मैंने ड्रॉ की है जैसे ही वो लाइन ग्राफ को टच करेगी आपने उस लाइन लाइन को मूव कर देना है कि एक्सिस पे वो कहां पर जाती है राउंड अबाउट यहां पे आएगी और ये क्या रीडिंग है इस साइड पे क्या है इस साइड पर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक सौ और पंद्रह स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जिनके नंबर बासठ बासठ या बासठ से कम आ रहा है बिल्कुल ऐसे जैसे मैथमेटिक्स की आप इक्वेशन सॉल्व करते हो आप कहते हो जी एक्स मालूम हो तो वाई मालूम कर लेते हैं वाई का पता हो तो एक्स बिल्कुल ग्राफ में यही कर रहे हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू मालूम हुई है तो आप वाई एक्सिस वाई एक्सिस की मालूम होगी तो एक्स एक्सिस जैसे अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स नाइनटी फाइव आर अब ये जो नाइनटी फाइव मार्क्स हैं आप गैस करें वो यहां पर कहीं आएंगे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पर उसे ले जाए आपने कहना आपने टेन लिखा है गौर करना है 190 स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जिनके नंबर पचानवे या पचानवे से क्या है कम है बिलो देन दैट इधर से पढ़ा ना मैंने ये बिलो 95 और इवन लेस देन 95 फाइव स्टूडेंट वन नाइन फिर बाकी दस कौन है, जी, उनके फिर 95 से जी, ही है। उसने यही तो पूछा अबाप यहां बिलो पूछा था तो फिर इससे अब वाले नंबर बताने थे आपने तो, तो दस बनते हैं दो सौ है ना टोटल तो दस बनते हैं तो यही आंसर था टेन स्टूडेंट गॉट मार्क्स नाइन्टी फाइव आर Above. देखें अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपका, जो है आपका, आपको याद है पहले में आपकी आती है. आप कहते हैं मेरा दूसरा सेमेस्टर का जीपीए ये बनता है और अगर आपको कोई पूछे जी दोनों सेमेस्टर का मिलाकर कितना बना है तो उसके लिए वर्ड बोला जाता है सी जीपीएलेट ग्रेड पॉइंट एवरेज अक्सर लोग अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं मैं कभी कभी पूछता हूँ बेटा जी सी जी पी ए क्या है वो जी हमारे जीपीए तो जी, होती है एक सी जी पी होती है जीपीए आपकी होती है करंट सेमेस्टर की फोर्थ की जीपीए फाइव की जीपीए सिक्स की और अगर मैं सिर्फ इतना लफज बोलती वट इज यूअर सी जी पी एफ फिफ्थ सेमेस्टर तो इसका मतलब है पहला चौथा तीसरा दूसरा पहला सबको मिला के आप मेरा वर्ड बोलेंगे ठीक अब ये ग्राफ क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है तो ये तो नहीं मैं कहूंगा कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर की सीजीपीए क्या है तो आप कहेंगे इसका मतलब है फोर्थ की फिफ्थ की सिक्स की और सेवन की अगलों की मिलानी है तो ये अगले तो आपने पेपर देने हैं वो तो पिछलों की बात ही हो रही होगी सीजीपीए में तो बिल्कुल ऐसा ही है तो यहां पर उसने कह दिया अब आप कहते ऐसा करते पहले बिलो तो नोट कर लें एक सौ नब्बे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर नाइनटी फाइव या उससे बिलो है और बाकी दस के दस कहां से आए दो सो सौ ग्राफ में पता चल रहा है दो सौ पे ग्राफ खत्म होता है जाके तो दस लोग हैं नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट दो सौ है क्लास के पचास परसेंट बनते हैं सौ स्टूडेंट कहता है सौ स्टूडेंट के यानी कि जो आधे स्टूडेंट हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने इस दफा आपको स्टूडेंट्स पता है यानी कि वो इंफॉर्मेशन पता है जो वाई एक्सिस पर है स्टूडेंट्स आगे पूछ रहा था मार्क्स एक्स एक्सिस पे पे थे marks, x पे थे मार्क्स एक्सिस अब आपको पता है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां पर है एक्सिस पर है तो मैं कह सकता हूँ आपको वाई एक्सिस वैल्यू दी हुई है क्या फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट स्टूडेंट है टू हंड्रेड फिफ्टी परसेंट सौ तो आपको ये बताया कि स्टूडेंट इतने हैं ठीक अगेन आप लाइन ड्रॉ करते हैं कहा तक एक्सटेंड करनी है जब वो लाइन ग्राफ के साथ टच करे अब क्या करना है जी एक्स एक्स पे चले जाए जहां जा पर मार्क्स पड़े हुए हैं जहां पर मार्क्स राउंड राउंड अबाउट अबाउट ना एग्जैक्टली exactly मैं बता रहा मुश्किल है आप भी अभी फिफ्टी एट मार्क्स तो जो सौ स्टूडेंट है क्लास के किसी के नंबर चालीस होंगे किसी के बैतालीस किसी के थर्टी फाइव किसी के थर्टी टू तो मैक्सिमम नंबर आए हैं फिफ्टी एट फिफ्टी एट मार्क्स या कम वाले पचास परसेंट लोग हैं मतलब ऐसे ही आ, किसी ने कहा कि यार ऐसे ऐसा करते हैं कि जो फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट है ना जो उनके नंबर कम है फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट के उनको हम रायती नंबर दे देते हैं तो कहाँ तक डिक्लेयर कर दें कि उनको हम थोड़े से मार्क्स जरा उनके इंक्रीज करना चाहेंगे तो आप कहें जी, जिनके नंबर फिफ्टी एट या फिफ्टी एट से कम है ना उनको आप तीन तीन नंबर या दो दो नंबर जो है वो एडिशनल दे दें और वो क्लास के हाफ स्टूडेंट है फिर रिपीट कर रहा हूं मैथ्स में आप पढ़ते हो एक्स और वाई का सिंपली आप यह समझ लें आपको मैं कह रहा हूं, एकस पे जो चीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका आंसर फाइंड करें यहां पर मैंने आपको एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है यानी कि मार्क्स उसका आंसर एक्सिस पे जो क्वांटिटी है यानी कि स्टूडेंट्स ओ, 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 दे के और उसका मैंने आंसर आपसे डिक्लेयर किया हुआ है हाँ जी ये क्लियर है पॉइंट आपको ठीक है जी चले अच्छा अभी जो तो आपको एक टेबल की फॉर्म में डेटा हमने प्रेजेंट करना बताया कि जी टेबल की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट कर लें एडवांटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यही है क्या है

कोई रीडिंग थी फर्ज करें 87 87 अब ये 87 एक रीडिंग है मुझे बड़ी क्लियर है कि इसकी इंडिविजुअल है जब मैंने इस 87 को इस क्लास में रखा याद है एटी सेवन नहीं रखा था मैंने कहा था एक वैल्यू इस क्लास में आनी तो मैंने एक लाइन लगाई थी टैली जिसे बोलते हैं फिर 89 भी इसी क्लास में है मैंने एक और टैली लगा दी अगर मैं ये दोनों वैल्यू छोड़ दूं और आपको कह दूं कि बस खत्म फ्रीक्वेंसी टेबल में बताई ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन अपेरेंटली तो दोनों लाइने एक जैसी हैं अपेरेंटली तो एक जैसी है तो हमें तो नहीं पता ये 88 के लिए लगाई थी कि 87 के लिए लगाई थी कि 84 के लिए सिक्स के लिए कि 89 के लिए वैसे तो 87 89 बड़ा क्लियर पहचाना जाता है लेकिन जब उसको हम टैलीस में लिखते हैं तो हमारे लिए टैली तो वो एक जैसी है 87 की टैली की भी उसी तरह लिखते हैं 89 की टैली भी उसी तरह लिखते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी लाइन किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और यही इसका ड्रॉबैक है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल का फ्रीक्वेंसी टेबल का इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रुपिंग प्रोसेस जब हम ग्रुप्स बना रहे थे तो वो जो इंडिविजुअल उनकी शनाख्त थी उनकी आइडेंटिटी थी वो कहीं गुम गई लाइनों में गुम गई लाइनें एक जैसी हैं फिर हम एक चीज रजूम करते हैं और वो क्या कहता हैं अच्छा चलो गैस कर दो ये फर्ज करें एटी सिक्स और ये नाइंटी है एक वैल्यू जो इस क्लास में कहां पर है, हमें क्या जी हमें नहीं पता लेकिन हम कह सकते हैं से है, जैसे आप किसी को पूछे ना वो जो स्टूडेंट है उसकी उम्र कितनी है आप कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं पता कितनी है अच्छा गैस करो आप फिर अंदाजा लगाओ आप कहते मुझे तीस से पैंतीस साल में दरमियान लगती है दरम्यान का मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं है ऐसे कहते हैं ना आप थर्टी टू 35, फाइव वो थर्टी भी हो सकती है 34 भी हो सकती है आप गैस करते हो अगर मैं आपको ये कहूँ ओके फाइन यहाँ पर एक क्लास है जहाँ पर एक वैल्यू 86 से 90 है गैस करें द बेस्ट वन कि वो कहाँ है तो सबसे अच्छा ये आप कहें सेंटर में है यही होता है ना ना तो फिर अजम्पन क्या बनी ईच ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास इज अज्यूम टू बी कहाँ है वो सेंटर ऑफ द क्लास जिसे हम क्लास का क्या बोलते हैं ये क्लास का मिड पॉइंट है इसीलिए हम डेटा का मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं जो वैल्यू हमने ये समझनी है कि ये वैल्यू है कहां पर हम कह देंगे इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा ये थी जम्शन और हम इट इट इज नॉट बैड और हम इसी जम्शन से अपना काम चला रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज और साथ उसके अटैच है ये डिसएडवांटेज कि जी आपकी जो आपकी नहीं वैल्यू की जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी जाएगी कहीं पर अगर कोई कहे जी एडवांटेज तो मैं फ्रीक्वेंसी टेबल का लेना चाहता हूँ कॉम्पैक्ट करना चाहता हूँ लेकिन डिसएडवांटेज वाला जो काम है ना वो नहीं खत्म हो सकता मुझे वैल्यू की ओरिजिनल आइडेंटिटी भी रिटेन रहे और डेटा भी कॉम्पैक्ट हो जाए बिल्कुल किया जा सकता है लेकिन इसके लिए फिर आपको अपना प्रेजेंटेशन मेथड बदलना होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय हमें स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की जानेब जाना है अनदर मेथड टू प्रेजेंट आवर डेटा अनदर मेथड स्टेम एंड लीफ क्या करेगा वो आपको कंपैक्ट भी कर देगा कि किस ग्रुप में कितनी वैल्यू है और अगर आपको उनकी ओरिजिनल वैल्यू भी चाहिए इवन देन आप देखेंगे कि ऐसा हम प्रेजेंट करेंगे वो कंपैक्ट भी होगा और अगर किसी की शनाख्त भी हमें ढूंढनी है वो भी मिलेगी हमें तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में डेटा कैसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है बड़ा सिंपल है सिंपल चीज करनी है फर्ज करें आप नंबर लिखते हैं थर्टी टू मैंने लिखा हुआ थर्टी टू कोई नंबर ले लें इस नंबर को हम पढ़ते हैं यूनिट ये होता है टेंथ यहां कोई आ जाता तो हो जाता हंड्रेड एंड सो वन ऐसे ही है ना यूनिट 100 1000 10000 मिलियन 10 मिलियन एंड सो और उर्दू में कहते हैं अकाई दहाई सैकड़ा हजार दस आर लाख द लाख बोलते हैं ना आपने हर नंबर को दो पीस में काट देना जो यूनिट प्लेस पे डिजिट लिखा हुआ होगा उसे आपने कह देना ये हमारा लीफ यूनिट है लीफ लीफ और बाकी एक बज जाए दो बज जाए तीन बज जाए से कह देना ये हमारे स्टेम यूनिट्स आपने पूरा डेटा सेट हर नंबर दो हिस्सों में डिवाइड करना है एक को कहना ये हमारा स्टेम है और बाकी जो बच जाए एक बच जाए दो बच जाए उसे लीफ जैसे थर्टी टू है ये इसका स्टेम है क्योंकि यूनिट डिजिट यही है और ये इसका लीफ है वन थर्टी टू एक सौ बत्तीस यूनिट टेंथ, हंड्रेड यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो इस नंबर का लीफ कल ये दोनों स्टेम कल

आपने डेटे की मिनिमम वैल्यू नोट कर ली विच इज थर्टी टू डेटे की मैक्सिमम वैल्यू नोट कर लेनी है इज और अगर आप इसे डिवाइड करें आप कहें थ्री इज द स्टेम और इसको डिवाइड करें सिक्स इज द स्टेम इसका मतलब है डेटे का मिनिमम स्टेम थ्री है और डेटे का मैक्सिमम स्टम्प सिक्स है आपने सिर्फ फिलहाल सिर्फ स्टेम लिखने हैं वर्टिकली आपने कहना एक स्टेम थ्री आएगा इ रिस्पेक्टिव ऑफ के जी चालीस में आ रही है कि नहीं आपने फोर भी लिखना है फिर आपने फाइव भी लिखना है एंड देन सिक्स और इसके बाद कुछ नहीं चूंकि छह तक मैक्सिमम स्टेम जा सकता है एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी है नंबर है पहले में जो है वो लीफ है और थ्री स्टेम है स्टेम आपने लिखा हुआ है लीफ इसके साथ लाइन के साइड पे लगा दूसरे नंबर में फोर स्टेम है फाइव लीव है स्टेम आपने लिखा हुआ है फोर इस रो में जाके इसके साथ पत्ता जोड़ दें दें लीफ लगा दैट इज क्या करना है स्पेस दे के लिखना है कॉमा भी लिख सकते हैं कॉमा भी लिखने नो no प्रॉब्लम स्पेस दे के भी लोग लिखते हैं आप कहें क्या लिखा ये मैंने बत्तीस लिखा हुआ ये मैंने अठत्तीस लिखा हुआ है यानी कि पढ़ते वक्त स्टैंप साथ जोड़े लीफ के और पढ़ दें इसको तो मैंने यही काम किया पहले सारे स्टैंप लिख दिए फिर हर स्टैम्प के साथ लीफ लगा दिया जैसे ये ये लीफ लगेगा चार के साथ ये लगेगा तीन के साथ ये लीफ जाएगा चार के साथ नौ भी चार के साथ छत्तीस भी चार के साथ और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो गई लाइक फोर्टी वन आ गया फिर लगा दें ये ले ठीक है ना हर नंबर का आपने स्टेम उतार के लहदा लिखा हुआ है अब लीफ उसके साथ जोड़ते जाना है और स्टेम लीफ डिस्प्ले आ जाएगा तीन ऑब्जर्वेशन तीस से लेकर उनतालीस तक है तीन ऑब्जर्वेशन रेंज फ्रॉम फोर्टी टू फोर्टी नाइन कौन सी है बता दे नहीं? बता सकते हैं पैंतालीस है इकतालीस है उनतालीसासन फिफ्टीज में कौन सी है जी एक फिफ्टी टू एक फिफ्टी सिक्स एक फिफ्टी वन एक फिफ्टी नाइन और तीन ऑब्जर्वेशन सिक्सटीज की रेंज में है तो देखिए हमने फॉरन कंपेक्ट करके भी बता दिया कि कितनी ऑब्जर्वेशन किस रेंज में है और अगर किसी ने हमसे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन भी डिमांड करनी है तो बता देते हैं एक चीज नोट कीजिएगा तीन के बाद जो स्टैंप चार आया है ये पूरे दस नंबर के बाद आया है किस तरह से तीस उसके बाद इकतीस देन थर्टी टू देन थर्टी थ्री देन थर्टी फोर चलते चलते ये थर्टी नाइन आया जब तो फिर हम अगले स्टैम्प पर गए थे अगला स्टैम्प क्या था थर्टी नाइन के बाद फोर्टी वाला रेंज शुरू हो गई तो इनका स्टेम थ्री था और इसका स्टैम्प फोर स्टार्ट हो गया चूंकि ये दस नंबर के बाद आया है इन दस नंबर के बाद इसलिए कहते हैं कि स्टेप यूनिट दस के बाद आ रहा है कभी क्या होता है लीफ बड़े लेंथी लग जाते लंबे लंबे लीफ हम कहते हैं आप ऐसा करें पूरे ग्रुप को दो हिस्सों में काट दें ये पांच नंबर है एक दो तीन चार और पांच पांच नंबर मैंने एक साइड पे कर दिए और पैतीस छत्तीस सैंतीस अठतीस उनतालीस पांच एक पे अब हर ग्रुप जो है वो पांच पांच नंबर का हो गया ऑफ उसने कहा था ना ऑफ विफ बना दे तो हम कहेंगे हम दो ग्रुप बनाएंगे पांच एक साइड पे पांच एक साइड पर इसका स्टेम क्या है थ्री तो इस ग्रुप का भी थ्री बिल्कुल दोनों ग्रुप का स्टेम थ्री आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे दो दफा लिखेंगे दो दफा थ्री लिखेंगे आप कहेंगे ये जो पहला थ्री है ये वो वाला स्टेम है जिसके लीफ यूनिट जीरो से लेके फोर तक हो सकते हैं यानी कि थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री और थर्टी फोर इसको अगर लगाना है तो ये स्टेरिक स्टेम के साथ वाले लीफ साथ लगाए और बाकी जो नंबर लीफ हैं वो इसके साथ लगाए इससे ये होगा कि बहुत जो लंबे लंबे लेंथी लीफ हो जाते हैं वो कट शॉर्ट होके दो दो स्टैम्प में चले जाते हैं ठीक है ना दो, दो दो दफा मैंने लिखा हुआ है दो दो दफा और ये कब करना या अगर मेंशन हो अदरवाइज आप एक एक सिंगल स्टेम ही इसका बनाएंगे अच्छा फर्ज करें ये डेटा सेट है अगर आपसे मैं पूछूं कि कितनी रीडिंग इसमें 80 से 90 रेंज में आती हैं आप कहेंगे गिन दें एक बच्चे ने कहा जी ठहरे ये स्टेम लीफ बना हुआ है बोलें क्या फाइंड करने मैं कह रहा हूँ एट्टी से एटी तक कितनी रीडिंग है तो चार है हंड्रेड रेंज में चार है कौन सी है सौ 104, 107, 108, एक से 130 तक कितनी है चार कौन कौन सी है एक सौ इक्कीस एक सौ तेईस एक सौ छब्बीस एक सौ उनतालीस पता चल रहा है ना अगर मैं फर्स्ट रैन को पढ़ू फर्स्ट रो को पढ़ू तो फर्स्ट रो ये कहती है कि जी ये जो रीडिंग है ये 77.